हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम फरमाते हैं, नबी पाक एक सफर पे गए तो मुझे अपना नायब बना के मदीने में छोड़ गए हिफाजत के लिए। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात को? हुजूर मुझे छोड़ गए, कहते हैं मेरे पास माले गनीमत के थोड़े से पैसे थे, मैं सोने का एक हार लाया, एक लॉकेट लाया और सैयदा फातिमा को तोहफा दिया, पहली दफा सोने का हार उन्होंने पहन लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक यह था कि हुजूर जब सफर पे जाते थे तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर जाते और जब वापस आते तो सबसे पहले आते, सबसे पहले। हजरत अली कहते हैं कासिद आया, उसने आके बताया कि कल नबी पाक वापस आ जाएंगे। सैयदा फातिमा बड़े दिनों से इंतजार कर रही थी कि हुजूर आए नहीं, इतने दिन हो गए। जब जाके बताया ना कि कल हुजूर आएंगे तो कहते सैयदा ने सुबह से सफाइयां शुरू कर दी, खाना पकाया अपने महबूब के लिए, हुजूर के लिए बेहतरीन खाना बनाया और बहुत सारी तैयारी की। कहते हैं हुजूर आए, हस्बे रवायत हस्बे आदत, वही मुबारक आदत जो महबूब की हमेशा से थी, नबी पाक आए, पहला कदम सैयदा फातिमा के घर में रखा, अस्सलामु अलैकुम कहा और सैयदा ने वालेकुम कहा तो हुजूर ने उनका चेहरा देखा तो वापस चले गए। हजरत फातिमा रोने लग गई। मौला अली शेर खुदा कहते मैं घर आया तो बीबी साहबा जारो कतार रो रही, फातिमा क्या हुआ? काली पता नहीं, हुजूर सलाम लिया वापस चले गए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पता तो करें। शेर खुदा कहते मैं मस्जिद में गया तो नबी पाक भी एक कोने में बैठ के रो रहे थे। मैंने कहा या रसूल आप यहां रो रहे हैं, फातिमा वहां रो रही है, बात क्या है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरी बेटी होके सोना पहनती है, अगर फातिमा भी सोने से प्यार करेगी तो उम्मत की गरीब बेटियां किधर जाएंगी, वो भी सोना पहनने लग गई है, वो भी अगर ये काम करेगी तो गरीबों की बच्चियां किसके तरीके पे चलेंगी, वो भी सोना पहनती है। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह उन्होंने नहीं पहना, वो तो मैंने ला के दिया है, उन्होंने ख्वाहिश नहीं की। तो महबूब ने फरमाया उसे जाके बताओ, हजरत फातिमा तज़ाहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जाकर के बताया गया कि महबूब पाक तो इस बात से आपसे नाराज है। हजरत फातिमा ने उसी वक्त सोना उतारा, कहा अली जो मदीने में सबसे गरीब घर है उसे दे आ जाके। भाई नबी पाक ने उन्हें सादगी में रहना, पाकिजगी में रहना सिखाया, उन्हें हुस्न सिखाया, उन्हें इबादत सिखाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये तो सारी दुनिया बयान करती है कि इमाम हुसैन नबी पाक के कंधे पे बैठ जाते थे सजदे के आलम में तो 72-72 तस्बीहें हुजूर पढ़ते थे। पता है हुजूर सिखाते क्या थे? नबी पाक इमाम हुसैन को सजदा करना सिखा रहे थे, हुजूर सजदा करना सिखा रहे थे, सजदा सजदा करना। पूरे करबला में, पूरे करबला के वाके में किसी जगह भी इमाम हसन और इमाम हुसैन ने किसी एक मकाम पे भी यजीदियों से कोई मुतालबा नहीं किया, कोई बात नहीं मनवाई, का जो तुम्हारी मर्जी, एक बात सिर्फ की, एक गुजारिश, तवज्जो है मेरी बात पर, एक बात सिर्फ की, एक मुतालबा रखा। जब 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने, शिमर ने, इन सब ने कहा ना कि हुसैन या अब बात खत्म हो गई, या बैत करो या जंग करो, तो इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे एक रात की मोहलत दो। अली के बेटे मोहलत मांग सकते हैं? बोले ना यार, मोहलत मांगते थे वो, क्या जरूरत थी? इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे मोहलत दे, एक रात रह गई है, मैं राज राज के सजदे करना चाहता हूं, सजदों के लिए मोहलत मांगी, सजदों के लिए। तवज्जो है मेरी बात पर, महफिलें लंबी, नमाजें छोटी, 24 घंटे आप किसी को बिठा लें बाहर, वो बैठा रहेगा, गप्पे लगाएं, नमाज का टाइम होगा तो पता नहीं क्या हो जाता है, लोगों दौड़ गए, ओहो नमाज पढ़नी पड़ जाएगी, ऐसे लगता जैसे को बहुत मुश्किल मरहला आन पड़ा। भाई करबला वालों का तो पैगाम ही नमाज है, उनका तो तरीका ही नमाज है। इमाम हुसैन ने कहा एक रात की मोहलत फकत इसलिए कि मैं खुल के नमाजें पढ़ लूं। सारी रात बड़ी बातें थी ना, बड़ी बातें, सजदा सैनब से दुख सुख कर सकते थे सारी रात, इमाम जैनुल आबेदीन को बड़ी बातें बता सकते, बड़ा कुछ हो सकता था, लेकिन इमाम जैनुल आबेदीन कहते हैं सारी रात हुसैन इब्ने अली ने सर सजदे से नहीं उठाया। चल तो इस तरह कर, इमाम हुसैन तो सारी जिंदगी सारी रात पढ़ते रहे ना, तू चल एक रात की इबादत कर उनके नाम पर, एक रात सारी जाग, नहीं ना तुसी हां की, एक रात कही है मैंने,
बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। आप यकीन करें मुसल्ला, और फिर किसी ने हमें कान में बता दिया कि तुसी निस्बत आले हो, तुसी बख्शे हो, ऐ कोई पक्की गल दस गया साड़ी, इसमें कोई शक नहीं कि निस्बत से बख्शे जाएंगे। लेकिन इमाम हुसैन डायरेक्ट नवासे हैं नबी पाक के, अगर वो निस्बत के बावजूद भी सारी सारी रात नमाज पढ़ते हैं, तू किस किस्म का निस्बत वाला है कि दस मुहर्रम को भी तेरी सारी कजा हो जाती है, सारी कजा छुट्टी, हम निस्बत वाले हैं। बस निस्बत का ये मियार होता है, निस्बत का मियार ये होता है कि जो महबूब ने किया वो हमने करके छोड़ना है, वो काम करना है। और फिर अहले बैते नबूवत का उसवा हसना पर्दा है, पर्दा। बड़ी गुमराही आ गई है उम्मत में। अब जो जो बच्ची एम ए एम बी ए कर लेती है वो सबसे पहले ये मुतालबा करती है कि हमारे हकूक बराबर के। इस्लाम ने औरत को बराबर के हकूक नहीं दिए, इज्जत वाले हकूक दिए। कौन से हकूक दिए बोलिए। मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो एक बच्ची ने पैगाम दिया, कहने लगी जी, बच्चियां भी थी पर्दे में बैठी हुई, लेक्चर यूनिवर्सिटी में हो रहा था, तो उसने कहा जी औरत का तो घर ही कोई नहीं होता, औरत का तो घर ही कोई नहीं, तो हम किधर जाएं। मैंने कहा चलें अदीबाना अंदाज में ये बात दुरुस्त है लेकिन हकीमाना अंदाज में दुरुस्त नहीं। औरत की तो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी बड़ी शानदार रखी है, जब तक बाप जवान होता ना, तवज्जो है मेरी बात पर, जब तक बाप जवान होता है तो बेटी उसके घर रहती है, और जब बच्ची जवान होती है, अब्बा थोड़ा बूढ़े होने लगता है ना, तो अल्लाह ताला खावंद की ड्यूटी लगा देता है औरत पर, और जब खावंद थोड़ा बूढ़ा होने लग जाता है तो बच्चे जवान हो जाते हैं। तो मैंने कहा बीबी तू समझी नहीं, तू कहती है मेरा घर कोई नहीं, रब करीम ने तो तेरा मुहाफज हमेशा जवान आदमी को रखा है, जवान को, कभी बाप को, कभी भाई को, कभी बेटे को, कभी शौहर को, तू ये कैसे, इस्लाम ने तो तेरे लिए जवान खून तेरा मुहाफिज रखा अगर तू समझे। हजरत फातिमा ने सारी जिंदगी पर्दे में गुजारी, उनका नंगा सर कभी सूरज ने भी नहीं देखा। यहां अल्लाह खैर करे दीनदारों की बच्चियां पर्दा नहीं करती, हाजियों नमाजियों की बच्चियां पर्दा नहीं करती। कपड़े स्त्री ना हो तो घर में झगड़ा शुरू होता है, और बीबी पर्दा ना करे तो परवाह कोई नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन सहल, एक ताबी बुजुर्ग है, नाम याद रखना, अब्दुल्ला बिन सहल कहते हैं, सैयदा जैनब जब करबला से वापस आई तो वो मेरी पड़ोसन थी 15 साल, कहते मैं उनका पड़ोसी रहा हूं 15 साल, 15, इमाम शौरानी ने इसको लिखा है, 15 साल में हजरत जैनब का पड़ोसी रहा। कभी होता है ना कि बीबी बुरका पहन के बाहर निकल आती है, बाजार जाना है, दवाई लेनी है, कोई काम है, कहते हैं 15 साल में पड़ोसी रहा, पर मैंने पर्दों में छुपी हुई जैनब भी कभी नहीं देखी। कहते ना बुरके में बंदा बीबी देख लेता, मैंने पर्दे में छुपी हुई भी बीबी कभी नहीं देखी। तो करबला वालों का तो तरीका पर्दा है, उनका तरीका, अब आखिरी बात सुने, करबला वालों का तरीका हौसला है, हिम्मत है। हमारे यहां ना खुदकुशियां आम, झगड़ा आम, लड़ाई आम, उसकी वजह यह कि हौसला कोई नहीं। जरा सी बात कोई बंदा बर्दाश्त करने को तैयार, अहले बैत का जो तरीका है ना वो हौसला है, वो सब्र है, वो चले मोहब्बत की बात है कर देता हूं। एक बाबा जी से मैंने पूछा, मैंने कहा जनाब सेहत कैसी है, कहने दुखा नहीं वडेरिया कर छड़िया। मैं क्या कितनी उम्र थोड़ी, कहते मैं उम्र तो अभी 76 साल है, तो मैं क्या दुखा तो बगैर भी हूं तुसा वडेरिया ही होना सी, बस कर दे, दुखों को बदनाम किया हुआ बिला बजा, अब बस करें, वडेरे होना था कि नहीं होना था, तो ना दुखा दा ला दिता है। हुजूम में गम में भी तोहीन ने जब्त गम ना हुई, हम तो इस एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई। अल्लाह वाले तो मतलब शिकवा करना हर वक्त शिकवा, हौसला ही कोई नहीं, सुकून ही कोई नहीं, परेशानी बड़ी है जी, आजमाइश बड़ी है। कभी आपने कहीं सुना है कि वाकई करबला के बाद हजरत जैनब माजल्ला नफसियाती मरीज हो गई थी? इमाम जैनुल आबदीन, सैयदा सकीना, हजरत सुगरा, वो हौसले में रहे, वो तवाना रहे। इमाम जैनुल आबदीन ने उसके बाद भी कई दफा पैरों में बेड़ियां पहनी, कई दफा सादात का खानदान चला। ये जो दाता अली अजवेरी ने आके आपको कलमा पढ़ाया, ये भी सैयदजादे, सैयदों का काफिला रुका नहीं, ये ख्वाजा अजमेरी भी सैयदजादे, गौसे पाक जेलानी भी सैयदजादे, ये सादात का सिलसिला चलता रहा। बार बार आके उम्मत की क़यादत की इन लोगों ने। जब देखे ना यहां किसी बंदे का कटा हुआ हाथ फेंका जाए ना, बल्कि उंगली फेंक दी जाए,
तो लोग डर के भाग जाएंगे, किसी का, अपने किसी का नहीं, किसी का, क्योंकि इंसान का वजूद कट जाए तो दहशत पैदा होती, आप डर के भाग जाएंगे। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर, तवज्जो है मेरी बात पर, जरा गौर करना, बंदे का सर कट जाए, हम सुनते हैं बात पर गौर नहीं करते। धाड़ उनका पड़ा था करबला में, कटा हुआ सर, जुल्फे, पगड़ी, कटा हुआ सर नेजे पे, आगे आगे सर जा रहा, पीछे सैयदा जैनब जा रही, बा पर्दा यजीद के दरबार में पहुंची, बीबी साहबा पर्दे में बैठ गई। यजीद कहने लगा, देख लो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे दुश्मनों का माज अल्लाह क्या हाल हुआ। जब उसने ये कहा ना, तो हजरत नौमान बिन बशीर सियाबी बैठे थे, और साथ कहते हैं मेरे एक नाबीना सियाबी भी बैठे थे। हजरत नौमान बिन बशीर कहते हैं कि जब उसने ये कहा ना कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और नकले कुफर, कुफर ना बाशर, मेरे दुश्मनों का ये हाल हुआ, तो कहते हैं सैयदा जैनब वहां से उठ के खड़ी हो गई, बा पर्दा सैयदा जैनब खड़ी हुई, और फरमाते हैं इस तरह नहीं खड़ी हुई कि बीबियां रोती हैं तो कहती हैं हाय ये हो, इस तरह नहीं, हौसला, हिम्मत, और जिस तरह कोई सियाणा खतीब खुतबा पढ़ता, इस तरह सैयदा ने खुतबा पढ़ा, पहले अल्लाह की हमद की, फिर नबी पाक पे दुरूद पढ़ा, और फिर कुरान पाक की आयत पढ़ी, वतु इज्जु मन तशाओ वतु जिल्लु मन तशाओ, ये आयत पढ़ी। कहते सैयदा की आवाज में वो रोब था, वो गर्ज थी, वो वकार था, वो इत्मीनान था, कि वो नाबीना से अभी मेरा घुटना हिला के कहने लगे, नौमान अली आ गए हैं दरबार में, अली आ गए हैं। जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी जैनब का खिताब, मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। कहा ये तो हजरत अली की आवाज, अली आ गए क्या, अली आ गए। सैयदा जैनब फरमाने लगी, यजीद तेरी हुकूमत है, तो तू कहता है कि अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, जरा वक्त बदलने दे, जिक्र तेरा भी होगा पर तुझ पर लोग लानत बरसाएंगे, और जब मेरे हुसैन का जिक्र होगा तो खतीब जुमे के खुतबे में जिक्र किया करेंगे, खुतबों में मेरे नाम। भाई हौसला पैदा करे जिंदगी में, हमारे अंदर हौसला नहीं रहा, हौसला नहीं, तवानाई नहीं, जरा जरा सी बात पे हम बिगड़ते हैं, नाराज होते हैं। अपनी तबीयतों को इकट्ठा करें। पहला सबक ये अर्ज किया है कि अहले बैत से प्यार करें, बैत छोड़ दें, सहाबा से प्यार करें और बहस, नबी पाक का मिलाद मनाएं और बहस करनी छोड़ दें। और दूसरी बात यह कि अहले बैत का तरीका फकर व फाका है, उनका तरीका सखावत है, उनका तरीका पर्दा है, उनका तरीका इबादत है, उनका तरीका हौसला है। हौसला मंद जिंदगी गुजारें, तवानाई वाली जिंदगी गुजारें।